हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने कैल्शियम के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जानेंगे, वो है मैग्नीशियम। ये हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है और इसकी कमी से या अधिकता होने से हमें क्या परेशानी होती है, इसके बारे में अपन आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जान के ताज्जुब होगा, हमारा शरीर आश्चर्यों से भरा हुआ है। उनमें से कुछ आश्चर्यजनक बातें मैग्नीशियम के साथ में भी जुड़ी हुई हैं, इनको अपन जानने की कोशिश करेंगे। हमारी धरती पर चार तत्व जो ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें से एक मैग्नीशियम है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वालों में आयरन है, ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है, उसके बाद मैग्नीशियम का नंबर आता है। हमारे शरीर में 75,000 एंजाइम्स काम करते हैं और आपको जान को ताज्जुब होगा, उनमें से 300 एंजाइम्स में मैग्नीशियम की भूमिका रहती है, या मैग्नीशियम अपना पार्ट प्ले करता है। हमारे शरीर में केवल 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है और 60% इसका हिस्सा हमारे दांत और हड्डियों में होता है, 20% अपने मांस में होता है, बचा हुआ लिवर और खून में रहता है। हमें रोज़ाना 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को 40 मिलीग्राम पर डे से एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। हमारे खून के अंदर 1.7 मिलीग्राम पर डीएल से 2.3 मिलीग्राम पर डीएल तक मैग्नीशियम का लेवल होता है। ज़्यादा होता है तो उसको कमी कहते हैं और ज़्यादा होता है तो अधिकता कहते हैं। ऐसे मैग्नीशियम का लेवल शरीर में मेंटेन होता है। शरीर में मैग्नीशियम कहाँ से पहुँचता है? हमारे साथ खाने के साथ जो खनिज तत्व शरीर में पहुंचते हैं उनसे हमें मैग्नीशियम मिलता है। जैसे ही मैग्नीशियम शरीर में पहुंचता है तो हमारी छोटी और बड़ी आंतें इसका शोषण कर लेती हैं और फिर वो खून में पहुंच के किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है या पेशाब से बाहर निकल जाता है। किस किस खाने से हमें मैग्नीशियम मिलेगा, तो कुछ बातें हैं उनको अपन को बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है शरीर के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर है हरे पत्ती वाली सब्जियाँ, उसमें पालक पहले नंबर पर है। जितनी भी हरी सब्जी है उनमें सब में मैग्नीशियम की मात्रा होती है और पालक में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर होता है साबुत अनाज, सभी अनाजों में करीब करीब मैग्नीशियम है लेकिन जौ में सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बादाम के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। फिर दूसरे नंबर पे काजू आता है। फिर उसके बाद फल, फल में मैग्नीशियम थोड़ा कम रहता है लेकिन फलों में केला में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। फिर उसके बाद में डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में रहता है। लेकिन आपको जानने के आश्चर्य होगा कि मांस के अंदर इसकी मात्रा कम रहती है। फिर अपन ये जानेंगे, मान लो मैग्नीशियम अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में रहता है तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या फ़ायदा होते हैं, क्या फ़ायदा पहुंचाता है शरीर के अंदर मैग्नीशियम। तो सबसे पहले अपन ये जान ही लिया था कि अपनी हड्डियों की हेल्थ अच्छी रहती है, कमी से ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों में वीकनेस ऐसी परेशानी आती है, और ये कैल्शियम और विटामिन डी के साथ में काम करता है, अपनी हड्डी और दांतों को मजबूती देता है। फिर दूसरे नंबर पे है डायबिटीज़, जो टाइप 2 की डायबिटीज़ है उनके लिए मैग्नीशियम बहुत ही अति आवश्यक एक तत्व है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 60% डायबिटीज़ मरीजों को आगे चल के 60% लोगों को मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो इसलिए उनको मैग्नीशियम की रिच खाना लेना चाहिए या सप्लीमेंट लेना चाहिए। फिर उसके बाद हार्ट, या हार्ट से जुड़ी बीमारी, जैसे हार्ट का फेल होना, हार्ट अटैक होना, हार्ट की धड़कन का रेगुलर होना, ऐसी परेशानी या ब्लड प्रेशर, तीनों को मेंटेन करने में मैग्नीशियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब जैसे किसी को हार्ट फेलियर होता है तो उनमें मैग्नीशियम की कमी भी देखी जाती है, हार्ट अटैक के बाद भी मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। तो ऐसे अपने शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अपन ने जान ही लिया था कि जो एंजाइटी है, चिंता है, जो अवसाद के मरीज हैं उनमें भी मैग्नीशियम की कमी
कमी पाई जाती है, या उनको अपन मैग्नीशियम की मात्रा सफिशियंट मात्रा में देते हैं तो उसमें सुधार देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में है जो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होता है, मतलब जो जैसे मासिक धर्म होता है लेडीज में, उससे पहले किसी किसी को मानसिक तनाव आ जाता है, तो उसको भी दूर करने में सहायक होता है। ऐसे मैग्नीशियम के तो बहुत सारे कार्य और फायदे हैं शरीर में, लेकिन अगले वीडियो में अपन ये जानेंगे, मालूम मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या परेशानी आएगी, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।